सपा जिलाध्यक्ष, राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विरोधियों की चढ़े भेंट। आज तक नदीम अहमद फारूकी के खिलाफ कोई भी एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं। सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी की साफ सुथरी छवि को बिगाड़ने के किए जा रहे हैं प्रयत्न। जांच के सीधे सीधे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। तहरीर पर ना कोई एनसीआर दर्ज और ना ही कोई की विवेचना। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी को कोर्ट में पेश किया, जहां अधिवक्ताओं ने पुलिस पर सत्ता के इशारे पर कार्य करने और झूठे मुकदमा लिखने का आरोप लगाकर हंगामा किया। काफी देर बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर सकी, जहां कोर्ट में उन्हें जेल भेज दिया। कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय की गई। दरअसल बीती रात सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी को पुलिस दलबल के साथ कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची। नदीम अहमद फारूकी को कोर्ट में आते ही अधिवक्ताओं ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस पर सत्ता के नेताओं के दबाव में फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव पारिया आदि ने कहा कि पुलिस ने शिकायत की जाँच नहीं की, सीधे मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की आई है। नदीम अहमद फारूकी कोई अपराधी नहीं है, उन्होंने कहा कि वह अधिवक्ता भी हैं। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सीओ अमृतपुर राजवीर गौर और प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश राय को एक साथ अन्य पुलिसकर्मियों को धक्का मुक्की कर दी, उन्हें कोर्ट में बैठने नहीं दिया और अधिवक्ताओं के चेंबर में बैठाया गया। काफी देर चली नुरा कुश्ती के बाद आखिर पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच न्यायिक मजिस्ट्रेट सिटी जेएम सदर के कोर्ट में रिमांड कराई गई। कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अपील जिला जज न्यायालय में की गई, जिस पर जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर मंगलवार की सुनवाई की तारीख मुकर्रर की, जिसके बाद उन्हें भारी पुलिस बल के साथ जिला जेल लाया गया और उन्हें जेल में दाखिल किया गया। इस दौरान पूर्व जिला महासचिव मनदीप यादव, सपा नेता सचिन सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य विजय यादव, विवेक यादव, सरदार तोषित प्रीत, महेंद्र सिंह कटियार, पुष्पेंद्र यादव, पूर्व विधायक अजीत कटेरिया, बंटी यादव, राघव दत्त मिश्रा, रजत क्रांतिकारी एवं अनुराग बाल्मीक आदि लोग मौजूद रहे। सपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनके विरुद्ध राजनीतिक दुश्मनी के चलते छवि धूमिल करने के चलते ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सपा ने ईमानदारी से मामले की विवेचना कराए जाने की मांग की है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद। कैसा पुलिस तंत्र है? बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हम ये हमारा हमारी गिरफ्तारी जो है वो समाजवादियों के लिए एक सिंबल है, एक मजबूती है। राजनीतिक लड़ाई है, बिल्कुल ही राजनीतिक लड़ाई है, केवल राजनीति की लड़ाई है। और राजनीतिक उद्देश्य से ही हमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में खुद गया हूँ, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं खुद मैं स्वयं थाने गया हूँ, पूरे जिले को छावनी बना दिया। नदीम फारूकी के अपराधी है? नदीम फारूकी एक लीडर है, समाज सेविक है, एक वकील है। हमारे डिजिग्नेशन मालूम है? हम उत्तर प्रदेश, हम इंडिया के सबसे कम उम्र के बाहर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, हम चेयरमैन रहे, यूपी चेयरमैन एसोसिएशन के हम अध्यक्ष रहे, हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संसाधन समिति के मेंबर रहे, हम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, हम चेयरमैन रहे शमशाबाद के, और हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। पुलिस जो है, पुलिस का कार्य बहुत निंदनीय है। पुलिस कह रही ऊपर से दबाव है, फिर एसपी का क्या मतलब है? एडिशनल एसपी क्या मतलब? आप देखिए, एडिशनल एसपी स्वयं एडमिट कर रहे हैं अपने अपनी वार्ड में कि कोई घटना कारित नहीं हुई है, जो छोटी मोटी घटना हुई है उसमें 116 की कार्रवाई की जा चुकी। ये कह रहे हैं वो कप्तान साहब, स्वयं कह रहे हैं।